मजहबी रसूमात पर लगाई जाने वाली पाबंदी की वजह से अल्बानिया में कई मजहबी आदाब और सुनन फरामोश किए जा चुके थे, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का नाम और उनकी याद कभी भी अल्बानी मिल्लत के जहन से नहीं मिटाई जा सकी। ये जानकर आपको तमानियत का एहसास होगा कि अल्बानिया में पूरे मुल्क में योम आशूरा पर सरकारी तातील होती है और मुहिब्बान अहले बैत हुकूमती अहलकारों और रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ मकामात पर आज़ादारी का इनेकाद करते हैं। अल्बानिया का एक इम्तियाज हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से मौसूम होना भी है। मकतबे बिकताशिया का ये अकीदा है कि वाक़े करबला में हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहाँ अब्बास अली के नाम से याद किया जाता है, सरजमीन करबला से घोड़े पर परवाज करते हुए अल्बानिया में किला कोह तोमूर पर तशरीफ लाए, जहाँ ज़ियारत हजरत अब्बास की दरगाह भी मौजूद है और आपके कदमों के निशानात अब भी वहाँ मरजे लायक हैं। गो ये कदमगाहे मौला अब्बास है। एक और रिवायत के मुताबिक 300 साल कबल अल्बानिया से एक आजादार दरवेश करबला की जियारत के लिए तशरीफ ले गए और वहां से वापसी पर उन्हें हजरत अब्बास अलमदार की कब्र मुतहर की खाक शिफा तोहफे में दी गई, जिन्हें अल्बानिया वापसी पर इज्जत और एहतराम के साथ आम जियारत के लिए पेश की गई। उस वक्त के हाकिम अल्बानिया ने इस मुकद्दस खाक शिफा को बुलंद तरीन मकाम पर महफूज करने का हुक्म दिया, जिसके लिए कोह तोमूर का इंतखाब अमल में लाया गया और फिर उसी जगह बारगाह तामीर की गई, जो आज अब्बास अली दरगाह ज़ियारत के नाम से मारूफ है और मर्जे खलाएक। हर साल अगस्त के महीने में फिरका बिकताशिया के हजारों लाखों पैरोकार ज़ियारत के लिए को 22 अगस्त के दिन असल रसूमात बिकताशिया कम्युनिटी के सरबराहों की मौजूदगी में मुनक्किद किए जाते हैं। हजरत अब्बास से इस कदर अकीदत है कि इस मुकद्दस मकाम से वापसी पर वहाँ की थोड़ी सी खाक अपने साथ घर ले जाते हैं, जो बीमारों के लिए शिफा और खैर व बरकत का खजाना गर्दानी जाती।